हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल तुर्क गैस विलेज ब्लॉग। सो गाइस, मैं क्या बोल रहा था, अपने जो मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ एक चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी जब बाइक वहाँ पर पड़ी थी तो किसी ने जलने वाले नहीं मतलब नुकसान कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसने यहाँ पर काटा मार दिया है पूरी तरीके से। 1 मिनट रुकिए, ये किसी जलने वाले का ही काम है, ऐसे और ऐसे कर दिया है अपनी न्यू बाइक का। अब देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर ऐसे पूरा यहाँ पर काटा मार दिया है, सिर्फ काटा ही मारा है। सो ये कुछ लोगों को मतलब हजम नहीं हो रहा है कि मैंने बाइक ले ली थी और बाद में मतलब मैं वीडियोस भी बनाता हूँ यूट्यूब पर, और कुछ जलने वाले तो होते ही है ऐसे भी आपको पता ही होगा, और वो उनको फेस टू फेस तो कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि फेस टू फेस तो उनकी औकात ही नहीं होती, और ये करने की इनकी औकात होती है बाद में। देख सकते हैं कि न्यू बाइक पर पूरा ऐसे कर दिया है स्क्रैच पूरी तरीके से, और अभी डायरेक्ट खुला किसी के ऊपर नाम भी नहीं एलिगेशन लगा सकते, और बस इतना तो चलता रहता है। यहाँ पर तो क्या है, बाइक में एक जगह पर खड़ी कर दी थी बेसिकली। ये तब का ही काम है, ये तभी हुआ था, और तो कहीं पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर ही किया है, और यहाँ पर भी किसी ने टच वगैरह किया है पर यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए, वो खा नहीं पाया है, और सिर्फ यहाँ पर ही नुकसान किया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, और वैसे भी मैं बाइक जहाँ तहाँ पर रखता भी नहीं हूँ अपनी, मैं इधर या तो पड़ी रहती है मेरे घर पर, या मैं किधर ले जाता हूँ तो मेरी आंखों के सामने ही रखता हूँ इसको, जहाँ पर ऐसे देख सके हम कि बाइक के पास कोई भी नहीं है। इस कारण से मैं कुछ जगहों पर नहीं रखता और कुछ जगहों पर मैं जाता भी नहीं, क्योंकि फिर बेवजह जलने वालों के मुंह लगना। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, आप देख ही सकते हैं कि पूरा वॉक अराउंड मैंने बोला अभी बता देता हूँ व्लॉग में, जिसने भी ये काटा मारा है वो भी देख सके बेचारा, और थोड़ा मुंह पे आके बोले कि मैंने ये किया है, फिर पता चलेगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये रहा। ये देख के तो एक बार हाथ चढ़ जाए उस एलविश यादव भाई के जैसा, उसके भी कार के पीछे सीमेंट मार के गया था कोई जलने वाला, और उस पर भी स्क्रैच मार कर गया था। जलने वालों का तो ऐसा ही होता है कि स्क्रैच ही मार सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते, बस उनकी औकात यही होती है। मैं जोर से भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अपने घर पर, और इस कारण ये तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये तो फिर हो जाएगा, मैं कर लूंगा अपने आप ये सही, इससे कुछ नहीं होता है। चलो, मैंने बोला बता दूँ। आज के लिए बस इतना ही था, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। ये याद रखना।